एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपराधियों और भूमाफियों पर नकेल कस गरीबों को बसाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर रायबरेली में स्थानीय प्रशासन की लचर कार्यशैली से अराजक तत्वों द्वारा झोपड़ी में आग लगाकर एक परिवार के पति पत्नी सहित चार बच्चों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई है। मामला रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरसिंहा मझिलाहा गाँव का है, जहाँ पर गाँव के प्रधान पर ही अराजक तत्वों द्वारा झोपड़ी में आग लगाने के लग रहे आरोप। प्राइम बी के न्यूज चैनल के लिए राम भवन रायबरेली उत्तर प्रदेश। क्या नाम है, कहाँ से आए? इंजाद नाम है सर, नरहिया से आए, मौजा मंजिला। आज सीएम कार्यालय थाने से आए, क्या मामला है? जी सर, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। क्या प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे सर। तहसीलदार SDM साहब गए मौके पर, जाँच की नहीं, उसके बाद में लेखपाल को बुलाया, उन्होंने जाँच किया, 1301 नंबर में हमको ज़मीन बताया गया कि यहाँ दे देना। शुक्ला जी यहाँ वहाँ भटका रहे हैं लेखपाल को कि यहाँ देना नहीं, इनको यहाँ से हटा दीजिए। कितनी बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं सर? मैंने 50 एप्लीकेशन मैंने दिया, यहाँ से जाते हैं वहाँ चाय पिया देते हैं, चाय पिया के कहते हैं ये तो झूठा है, सही है, वो है, खेत देते हैं, उनको बेच देते हैं। कोई भी आवंटन जमीन नहीं है? कोई नहीं सर, 1301 नंबर में हमको भोजपुर पुराने प्रधान चंद प्रकाश ने हमको दिया था, वहाँ नलका गड़वाए थे, मिट्टी डलाए थे, वहाँ से हमको हटा दिया गया। और पूरा तालाब पाट रहे हैं, पूरा तालाब में घर बना रहे हैं, उनके बड़े कोई रोक नहीं है सर, हमारे बड़े हर जगह रोक है, बेघर हैं, बेघर हैं सर। कहाँ इस मौजूदा कहाँ रहे? तालाब के किनारे सर, नान नान बच्चन के लिए सर परे। मेरा नाम राजेश कुरील है, मैं सामाजिक से आए हैं। क्या है मामला? ये मामला ये है, ये डी ब्लॉक का ग्राम नरहिया मजरा मझलाहा के रहने वाले हैं। ये गरीब नट बिरादरी के परिवार है, जो बरसों से इनके पूर्वजों से ये लोग इसी गांव में रहते चले आ रहे हैं, मगर ये पात्र हैं। सरकार की मंशा है कि हर गरीब और हर हसाय को आवास मिले, ज़मीन मिले, मगर बरसों से ये पात्र व्यक्ति आवास से भी वंचित है, ज़मीन से भी वंचित है। प्रधान क्या कह रहे हैं? वहाँ का जो पूर्व प्रधान के द्वारा इनको 2 बिसुआ ज़मीन आवंटन हुआ था, मगर वर्तमान प्रधान एक नागेश शुक्ला थे, उन्होंने जो है इनको वहाँ से भी हटा दिया है, वंचित कर दिया। तालाब किनारे ये बेचारे झोपड़ी डाल के रह रहे थे, 10/2/2023 को अराजक तत्वों द्वारा उनको जलवा दिया गया। और तहसील सलोन से लेखपाल, तहसीलदार सब लोग जाते हैं, और इस गरीब को जो है ज़मीन आवंटन कर आवास देने का जो है प्रधान से, जो वर्तमान प्रधान है उनसे कहते हैं, मगर आज तक जो है 10/2/2023 आज तक इसको ना अभी प्रशासन शुद्ध ले रहा, मात्र जो है जाड़े में केवल दो कंबल इसको प्रशासन दे के आया है, आओ छत अभी भी नहीं दिया, जमीन अभी भी नहीं दिया। जो मामला यह है, जो पात्र मांग यह है कि इस भूमिहीन आवासहीन परिवार को आवास मिले, जमीन मिले, इसको बरसों से ये रहता चला रहा पूरा परिवार, इसको वहां पे खपा दिया इसने अपने परिवार का, इसके पिता कोई कब्जा करेगा? कब्जा नहीं किए है, मगर ये ऐसे ये नट बिरादरी के हैं, बरसों से डीएम से मिलने के लिए आए हैं, सदैव अभी डीएम से मुलाकात नहीं हो पाई है।